अग्निकांड 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नंदू पासवान, जमुना चौहान और आशीष यादव समेत 28 आरोपी हैं। हथियार और पेट्रोल लेकर ये सभी हमलावर आए थे। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। 35 लोगों का घर समेत पूरा सामान जल गया है। 15 नामजद की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवादा दलित बस्ती अग्निकांड से जुड़ी हुई। आशीष यादव समेत 28 आरोपी। तो नवादा दलित बस्ती अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नंदू पासवान, जमुना चौहान, आशीष यादव समेत 28 लोग आरोपी बताए गए हैं। हथियार और पेट्रोल लेकर ये सभी हमला पर आए थे। सभी बदमाश पहुंचे थे और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा था। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है, इसकी भी सूचना मिली। आपको बता दें कि घटना स्थल से खोखा भी बरामद किया गया। 35 लोगों का घर समेत सब कुछ जलाकर इन लोगों ने राख कर दिया है। 15 नामजद की गिरफ्तारी हो चुकी है। 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक्शन में पुलिस है। और देखिए, मुख्य आरोपी नंदू पासवान है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यही वो आरोपी है जिसने इस पूरी घटना का प्लान तैयार किया था। मास्टरमाइंड यही बताया जा रहा, रिटायर्ड पुलिस कर्मी है नंदू पासवान। देखिए, विडंबना की बात है, जिनके कंधों पर समाज की जिम्मेदारी होती है वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। 2014 में ये रिटायर हो गए, लेकिन इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो नवादा दलित बस्ती कांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि नंदू पासवान, जमुना चौहान और आशीष यादव समेत 28 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए, न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी है, जो इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मेरे हाथों में ये एफआईआर की कॉपी है, जिसमें 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि इन 28 लोगों में से 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको यह भी बता दें कि हथियार और पेट्रोल के साथ ये सभी हमलावर पहुंचे थे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। कई राउंड फायरिंग की गई। मुख्य आरोपी नंदू पासवान का नाम भी इसमें है। क्या है इस एफआईआर की कॉपी में, आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इसमें लिखा क्या है कि महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं व्यास मुनि, उम्र 23 वर्ष, संजय मांझी, देदौर टोला, कृष्णा नगर नदी पर, ये पंचायत भदोखरा थाना मुफस्सिल, आप पढ़ पा रहे होंगे अगर तो आप इसको देखिए, जिला नवादा का स्थायी निवासी हूं। मैं एवं कृष्णा नगर के लगभग 60 परिवार के लोग नदी किनारे झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहते थे और उसी झोपड़ी नुमे घर पर यह हमला किया गया है। आपको बता दें कि इसमें जो जो नाम है वो आशीष यादव, देवन यादव, लोहानी बिघा थाना मुफस्सिल जिला नवादा, दशरथ चौहान, चौठी चौहान, रघुनाथपुर थाना रहुई जिला नालंदा से ये विवाद चल रहा था। यानी कि ये विवाद कोई नया नहीं बल्कि पुराना था और 2015 से ये सभी लोग यहाँ पर रह रहे थे। आपको बता दें कि ये मामला मुंशीफ कोर्ट नवादा में चल रहा है और हम लोग उस जमीन पर लंबे वक्त से रह रहे हैं। शांतिपूर्ण दखल कब्जा किया गया था। दिनांक 18/9/2024 को संध्या 6:30 बजे मैं एक गाँव के सभी लोग रोजी मजदूरी के बाद घर आकर खाना पीना बना रहे थे और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जब सब कुछ तबाह हो गया। आपको बता दें कि पूरब दिशा की ओर से करीब 60-70 की संख्या में लोग हरवे हथियार से लैस होकर हमारे गांव के पास आते हैं और हम लोगों पर गोलियों की बौछार की गई। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि हम लोगों के साथ मारपीट भी की गई। वे लोग औरतों और बच्चों को भी नहीं देख रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग अपने हाथ में पेट्रोल भरा गैलन लिए हुए थे। हम लोग जब भी कुछ कहना चाहते थे तो वो लोग गोली चलाने लगे। तो ये एफआईआर में सब कुछ लिखी गई है, सारी बातें, सारी जो वहां पर जो कुछ भी घटनाएं घटी उसका पूरा जिक्र इस एफआईआर की कॉपी में है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनाई हुई है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।